विधायक नरेंद्र गुप्ता ने फरीदाबाद के सेक्टर 16A स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के लिए नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और बिल्डिंग का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने पर नाराजगी व्यक्त की। विधायक ने ठेकेदार और अधिकारियों को सख्ती से तय समय सीमा में काम को पूरा करने के निर्देश दिए। नेहरू कॉलेज फरीदाबाद का पूरे जिले की लाइफ लाइन है, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज विभिन्न पदों पर पूरे हरियाणा में पूरे देश में काम कर रहे हैं। आज इसके जो पुरानी बिल्डिंग थी जिसको PWD ने कंडम घोषित कर दिया था, जब तक नई बिल्डिंग ना बन जाए तो उसका जीर्णोद्धार का काम दिया था। आज मुझे खुशी है कि उसके सारा पेंट सा रिपेयर का काम पूरा हो चुका है और हमारी कोशिश थी कि जो टारगेट था कोरोना की वजह से लेट हो गया, सितंबर 2021 में नई बिल्डिंग जो 3 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग का टेंडर दिया था वो पूरा होना था, कोरोना की वजह से वो लेट हो गया। उसका 6 महीने के लिए PWD डिपार्टमेंट ने एक्सटेंशन दी है। उम्मीद है कि मार्च 2022 तक उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके हम कॉलेज को समर्पित कर देंगे। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने के कारण फरीदाबाद में वाहन चालकों का गुस्सा फूट रहा है। उनका कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों की परेशानी के बारे में। लगातार बढ़ती कीमतों से जहां उनके घर का बजट बिगड़ रहा है, वहीं उन्होंने अब गाड़ियां छोड़कर बाइक पर काम करना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ती कीमतों से महंगाई भी चरम सीमा पर पहुँच गई है। भाव जी, पहले 5 लीटर ले रहे थे, अभी 100 रुपए का ले रहे हैं, बताओ क्या करें। इतनी महंगाई आ रही, बस पूछो मत, बुरा हाल हो रहा है। घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? बस पूछो मत, क्या कर, गाड़ी खड़ी कर रखी, बस ऐसे ही पैदल काम चल रहा है, साइकिल से। बहुत बुरा हाल हो रहा है। सरकार से कुछ कहेंगे क्या? हाँ, सरकार से तो कह ही रहे हैं, अब देखो सरकार सुन ले तो अच्छी बात। पलवल शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारा जा सके, इसके लिए नगर परिषद द्वारा 1 साल का सफाई टेंडर निजी कंपनी को 8.54 करोड़ रुपए में दे दिया गया, ताकि डोर टू डोर कलेक्शन कर शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। लेकिन प्रतिमाह 71 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की सफाई नहीं हो पा रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। पहले रोजाना गाड़ी आती थी, रुकती थी, अब 3-4 दिन आती नहीं है। जब आती है तो वो भी बस भक्ति भक्ति सी आती है, उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। जब जाके कहीं रुकता है वो, जब कूड़ा हरी डालना पड़ता है। हेल्पर नहीं होता गाड़ी में? रोज नहीं होता, और इधर उधर से कहीं से पैसे कलेक्शन करके उनका तो घेर ले जाता है दूसरा भी, बाकी घरों का जो कूड़ा है उल्टा उसके लिए नहीं रोकता। तो 4-4 दिन घर में कूड़ा इकट्ठा रहता है? हाँ, इकट्ठा रहता है। मजबूरी में ढेर लग रही है कूड़े के? डस्टबिन भरे रहते हैं जी, 2-2, 3-3 डस्टबिन अलग अलग रख रखे हैं। यही कारण है शहर में जगह जगह कूड़े ढेर लग रहे हैं? हाँ, यही कारण है सब जगह। फिर लोग ये इधर उधर फेंकते हैं घरों से लाके, तो और ढेर सड़क पे ढेर लग जाता है, हमारे सड़क पे पूरी गंदगी रहती है। जुलाना के गांव करसोला के लोगों ने पिछले दिनों हुई बरसात के पानी की सही निकासी न होने के कारण नेशनल हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के पानी की प्रशासन द्वारा कोई भी निकासी का प्रबंध नहीं किया है, जिससे पूरे गांव के चारों तरफ पानी भर गया है। पानी की निकासी के लिए कितने दिनों से समस्या है? पिछले 15 दिन से समस्या है। हम 6 बार विधायक जी को फोन कर चुके हैं, उन्होंने कल एक वीडियो को भेजा है, वो बोला मैं सिर्फ एक पंप दे सकता हूँ कॉलोनी का पानी निकालने के लिए। हमने कॉलोनी का नहीं, हमारी 6000 एकड़ में पानी खड़ा है, हमने उसकी चिंता नहीं, हमारे गांव को बचाओ, गांव के मकान गिरने लग रहे। कौन से गांव में पानी है ये? किरसोला गांव। कितना पानी है? पानी आप खुद आके देख लो, छाती छाती पानी है। तो फिर आज आपने? आज रोड जाम किया, कुछ हमें भी दुख हो रहा है कि जनता परेशान हो रही है हमारी वजह से, लेकिन हम जनता से माफी मांगते हैं, भाई मजबूरी है हमारे गाँव की। होडल में एक गाड़ी ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत था। ये अपने गांव से गुदराना प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था। घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजनों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन देकर जाम खुलवाया। आज तो एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, गाड़ी वाले का, गाड़ी वाले का पता नहीं लगता है, मोटरसाइकिल वाले को तो जो पब्लिक कह रही है, साथ में आरबी खड़ी थी, उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने जो कह रहे हैं ये ठीक है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अध्यापक था जी? अध्यापक जो गाड़ी थी जिसने दुर्घटना की है, क्या मतलब उसकी जांच की जा रही है? उसके खिलाफ अभी देख रहे हैं, टोल पे कैमरे देख रहे हैं, उसमें कैमरे में पता लग जाएगा कौन सी गाड़ी। सत्य खबर, सत्य
सटीक बेबाक।